रानी देवी उधम सिंह के ऊपर आस लगाती हैं कि मेरे बेटे मेरा सुहाग का बदला लेना था, मैं कूट कूट के उसके अंदर ये बातें भर दी गई। उधम सिंह की उम्र बढ़ती चली गई। जब 10वीं क्लास के अंदर उधम सिंह फर्स्ट नंबर पे आया, अव्वल नंबर पे आया, तो घर पे नाचता हुआ कूदता हुआ बड़ा खुशी के साथ आया और आके जब माता नारायणी देवी को बताया कि मां आज तेरा बेटा पूरे स्कूल में पहले नंबर पे आया है, अव्वल नंबर पे आया है, फर्स्ट नंबर पे आया है। श्रोता ध्यान से सुना, मेरी माता आपसे भी सुना, उधम सिंह की माता रोने लग जाती है। और जब उस उधम सिंह ने रोने का कारण पूछा कि मां आज तेरा बेटा 10वीं क्लास में पहले नंबर पर, तू रोने लगी, नवली के बेटा बहुत पुरानी बात है, इन जख्मा मत छेड़े। नवला के मां यू बता दे वो कौन सी बात है जो आज तक तूने मेरे से छुपाई। श्रोता ने कह लगी कि बेटा आज के दिन तेरा बाप भी शहीद हुआ था। नवला कहा, बोली के जलियांवाला बाग में। जब जलियांवाला बाग का नाम सुना तो श्रोता उधम सिंह ने कहने लगा कि मां अकेला मेरा बाप नहीं, वहां पर तो हजारों हमारे हिंदुस्तानी मारे गए। नवली, हां बेटा उसी में तेरा बाप शहीद हो गया। नवला, फिर मां तू रोन क्यों लगी? नवली के मेरे बेटा में न्यू रोन लगी, मैंने तेरे ऊपर आस लगाई थी, तेरे ऊपर दिन काटे हैं मेरे गिन गिन के, और तेरे उस उधम सिंह जो तेरे पिताजी उसका बदला लेना है, तेरे पिताजी जो सरदार तेज बहादुर सिंह उधम सिंह तेरे उसका बदला लेना है। अजय उसका जकर आया, श्रोताओ अपनी मां का दिल देखने के लिए नो बोलिया, मां जनरल डायर हमारे जनरल डायर कितना है नू बता। नो बोली बेटा लंदन में रहता है। श्रोता जब लंदन का नाम लिया, नो बोला के मां मेरा बस की बात को नहीं, उस जनरल डायर को मानना। बताते कि उसकी मां रोने लग जाती, नुबलिक के मेरे बेटा नू बेरा होता, मेरा तू इतना कायर है, तू इतना निडर है, मैं उससे दिन को गेटी में गुट्ठा देकर मार देती, बहुत अच्छा आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। श्रोता जोश में भर जाता है। उधम सिंह नवला के मां में तो तेरा कर्जा देखूंगा, कदे तू तेरे बेटे ने खो के फिर ना रोने लगी। नवली, नहीं बेटा मेरे को तेरे खोने का कोई गम नहीं, लेकिन तेरा बाप का बदला लेना मेरे बेटे। नवला, मां जो तेरा दिन काटे कुकर काटे और तू के करवाना चाहो जो होता बता लागी के मेरे बेटे ये काम कर दे, कैसे क्या होता रहा। नवली, मेरे बेटा मेरा योग कहने पुगा दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ओ मेरे बेटे कहने पुगाना Yeah.
आ गया है। नवलख के माँ कौन सा दिन आ गया बता दे। नवलख के बेटा इस दिन का मैंने इंतजार, ये मेरी अंकित जी 100-100 रुपए कई बार दे चुकी हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए बहुत जोरदार ताली बजा दो मेरी अंकित के लिए। क्या बताते हैं नंबर भाई, मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट के लिए बहुत अच्छी बातें लिखी कवि ने, क्या बता उस्ताद, छोटा लड़का मौत से